जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। दो बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो बुधवार के दिन अगर शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़का जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं। फिर स्वामी विवेकानंद जी के पास में एक व्यक्ति आकर बैठ गया और उस व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे को बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ में मेरी जिंदगी चल रही है। स्वामी विवेकानंद जी, मेरी परेशानी को समाप्त कर दीजिए। कल आपको कथा में कहा था, संत, साधु, गुरु तीन चीजों से दूर रहता है। जो गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को बताया था, तीन चीजों से संत, साधु, गुरु दूर रहता है। पहला नमस्कार, दूसरा चमत्कार और तीसरा नमस्कार। असली अगर गुरु है, असली अगर संत है, असली अगर साधक है, तो वो ये तीन चीजों से दूर है, उसको कोई मतलब नहीं इन तीन चीजों से। किसने प्रणाम करा, किसने नहीं करा, कौन ने भेंट चढ़ाई, कौन ने नहीं चढ़ाई, उससे कोई उसका मतलब नहीं, उससे कोई सब। मेरी भटिंडा की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखना, जब तक आप शिव की शरण में नहीं गए तब तक दुख तुम्हारा है। और जिस दिन तुमने एक लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हारा दुख महादेव का है, फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा कष्ट तुम्हारा नहीं है, फिर वो दुख महादेव का है। ये कथा का जो पंडाल है, लोग इसको कहते हैं शिव महापुराण की कथा हो रही है, हम कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा नहीं हो रही है, नेत्रों की जांच हो रही है, नेत्र शिविर लगा है, इसमें आंखों की जांच है। कोई कोई मरीज ऐसा होता है, हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर साहब से कहता है मुझे दूर का नहीं दिखता, मुझे दूर का नहीं दिखता, डॉक्टर उसको दवाई देते हैं, ड्रॉप देते हैं, आंखों में डालकर देखता है, अभी भी मुझे दूर का नहीं दिखता, डॉक्टर साहब ने उसको टेबलेट दे दी, उसने ली, मुझे दूर का नहीं दिखता। अब डॉक्टर ने कहा यदि तुम्हें दूर का नहीं दिख रहा तो मैं एक चश्मा बना देता हूं, चश्मे से दिखेगा, चश्मे से उसको दूर का दिखने लगा। फिर कोई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे पास का नहीं दिखता, डॉक्टर ने उसको भी ड्रॉप दिया, उसको भी दवाई दी, उसको पास का नहीं दिख रहा, तो फिर उसके लिए भी चश्मा बना दिया। आप में से कोई कोई मरीज ऐसा बैठा होगा जो डॉक्टर के पास जाकर कहेगा ना दूर का दिखता ना पास का दिखता, तो डॉक्टर ने एक ही चश्मे में दो गिलास लगा दिया, ऊपर आधा गिलास ऊपर है तो दूर का दिखता है, आधा गिलास नीचे तो पास का दिखता है। बोलो सही है कि गलत है? एक ही चश्मे में दो गिलास, दो कांच, आधे में दूर का दिखता है, आधे में पास। बहुत सारे मरीज डॉक्टर के पास पहुंचे और कहते हैं दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, पर आज तक ऐसा मरीज डॉक्टर के पास नहीं गया जिसने जाकर कहा हो कि मुझे इन नेत्रों से मेरा महादेव नहीं दिखता। उसका कोई चश्मा है, उसकी कोई दवाई है कि मेरा परमात्मा मुझे दिख जाए, तो डॉक्टर भी कह देगा इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी दवाई केवल एक शिव महापुराण की कथा है, उसमें जाकर बैठोगे तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आंखों में लेंस लगा देता है, उस लेंस से परमात्मा नजर आने लगता है कि शिव कैसा है, कृष्ण कैसा है, गुरु नानक देव जी की भक्ति कैसी है।
भजन कैसा है, संत नामदेव जी की भक्ति कैसी, कीर्तन कैसा है। आप सब इस कड़कती हुई ठंड में, कड़कड़ाती हुई ठंड के अंदर स्टेडियम के एक एक कुर्सियां आप अगर देखेंगे तो सब भरी पड़ी है, पूरा ग्राउंड में पांव रखने की जगह नहीं है। जितने लोग ग्राउंड के अंदर हैं उतने लोग ग्राउंड के बाहर जितनी दुकानें हैं उन दुकानों में जो टीवियां लगी हैं उनके पास में बैठकर कथा सुन रहा है। कई लोग पार्किंग से यहां तक नहीं पहुंच पाए तो पार्किंग में गाड़ी को खड़ी कर उसमें मोबाइल लगाकर बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं अन्य माताएं उसमें बैठकर टीवी उस मोबाइल पर कथा सुन रही है। शायद भटिंडा के इतिहास में ऐसा भक्ति शायद भटिंडा वालों ने कभी नहीं देखी होगी जो भक्ति का दर्शन यहां हो रहा है। केवल शिव को पाना, स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने जाकर कहा कि मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं बड़ा तकलीफ में हूं, मुझे बड़ी तकलीफ है, बहुत तकलीफ। तकलीफ किसको नहीं है, दुख किसको नहीं है, कष्ट किसको नहीं है। मेरी जीजियों, आप सब बैठे हो ना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं है। आपका पेट दुखता होगा तो क्या हमारा पेट नहीं दुखता होगा? आपका सिर दुखता होगा तो क्या हमारा सिर नहीं दुखता होगा? आपके हाथ पैर दुखते होंगे तो क्या हमारे हाथ पैर नहीं दुखते होंगे? बड़े से बड़े महाराज को बुला लो, बड़े से बड़े महात्मा को बुला लो और बड़े से बड़े साधक को बुला लो जो कह दे कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। दुख किसको नहीं है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में केवल एक सुख है जो परमात्मा की शरणागति है, जो भगवान की शरणागति है, जो भगवान की भक्ति है, जो भगवान का भजन, ये सुख है। स्वामी विवेकानंद जी से कहा मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत बड़ा परेशान हूं, मेरे परेशानी को समाप्त कर दो, मेरे दुख को समाप्त कर दो, मेरे कष्ट को समाप्त कर दो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भाई देखो तुम्हारा दुख मैं समाप्त कर दूंगा, मना नहीं, पर मेरे पास में कुत्ता है, मेरे पास में कुत्ता है, डॉग है, इस कुत्ते को ले जाओ, थोड़ा घुमा के वापस लिया। इस कुत्ते को लेकर जाओ और घुमा के वापस लेकर आओ। स्वामी विवेकानंद जी से उस व्यक्ति ने कहा मैं कुत्ता घुमा कर लेकर आऊंगा, उसके बाद मेरी समस्या हल हो जाएगी, मेरा दुख मिट जाएगा। जाओ जाओ पहले कुत्ते को घुमा कर लेकर आ। स्वामी विवेकानंद जी ने उसको कुत्ता दिया, वो कुत्ता लेकर घुमाने के लिए गया, घुमाने के लिए लेकर गया, सब दूर घुमा कर वापिस आया, कुत्ता हांप रहा था, बहुत तेज तेज हांप रहा था, और जो घुमाने वाला व्यक्ति था वो आके खड़ा हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा ये इतना तेज हांप क्यों रहा है, कुत्ता इतनी तेज क्यों हांप रहा है? उसने कहा जो निकलता था उसके पीछे भौंकने चले जाता था, कभी इधर देखा उधर चले गया, कभी उधर देखा उधर चले गया, कभी उधर देखा कभी उधर चले गया, भाग भाग कर इधर उधर जाता फिरा, मैं कहीं नहीं भागा, सीधे रास्ते पे चलते 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 यहां पहुंच गए। कुत्ता हांप रहा है, वो व्यक्ति नहीं हांपा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा बस तुम्हारी समस्या का एक यहां हल नजर आता है, इस कुत्ते को देख लो, किसी को भी देखता है उस ओर दौड़ पड़ता है, इधर देखा इधर दौड़ा, उधर देखा उधर दौड़ा, उधर देखा उधर दौड़ा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं
अपनी मंजिल पर जाना है तो फिर 10 जगह देखकर मत दौड़ो, अपनी मंजिल को देखकर चलोगे तो फिर तुम्हारी मंजिल तक तुम पहुंच जाओगे। हम भी वही करते हैं, हमारी भी आदत वही की वही बनी हुई है, हमने भी वही की वही कर रखा है। कभी देखते हैं कि अपनी दुकान चल रही है किराने की, अपनी दुकान चल रही है कपड़े की, अपनी दुकान चल रही है मोबाइल की, अपनी दुकान चल रही है बैग की, अपनी दुकान चल रही है सुनारी की, अपनी दुकान चल रही है लोहारी की, पर अपन दूसरे को देखते हैं उसमें ज़्यादा कमाई है, इसको कम ध्यान देते हैं उसमें घुस जाते हैं। फिर लगता है कि कपड़े की दुकान में ज्यादा फायदा है, अपनी दुकान को कम कर अपन कपड़े की दुकान में चले जाते। फिर लगता है कि मोबाइल में ज्यादा फायदा है, हम मोबाइल की ओर चले जाते। फिर लगता है शोरूम डाल लेते हैं, शोरूम में ज्यादा फायदा है, कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, शोरूम डाल लिया, उसमें चले जाते। अगर तुम जिस दुकान को कर रहे थे, भले वो चाय की क्यों ना हो, चाहे बिस्कुट की क्यों ना हो, चाहे बेकरी क्यों ना हो, चाहे वो किराने की क्यों ना हो, जिस दुकान को तुम कर रहे हो, एक लक्ष्य को मजबूत बनाकर करते और 10 जगह तुम्हारा ध्यान नहीं जाता तो उसी दुकान में तुम चार चांद लगा बैठते। व्यक्ति परेशान क्यों है? क्योंकि उसको दूसरे की चमक नजर आ रही है। आज का व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि उसका पड़ोसी सुखी है, उसको दूसरी जगह चमक नजर आ रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमें हमने अपनी आदत बना ली लपकने की, अपना काम अच्छा नहीं लग रहा, इसमें कोई इनकम नहीं हो रही, इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, अपन दूसरे काम को करते हैं। वो छोड़ा फिर वो करा, फिर वो छोड़ा फिर वो करा। आप यदि अपने काम के प्रति प्रेम करते, अपने कार्य के प्रति तुम्हें प्यार होता, अपने काम के प्रति तुम्हारी लगन होती और प्रेम होता, तो तुम उसमें बहुत आगे बढ़ जाते। भगवान को पुकारने के लिए ऐसे करना चाहिए, ऐसे करोगे बस के आगे तो बस रुक जाएगी। भगवान को हर हर करके बुलाओगे तो भगवान के का भी केरा भी माता ना थोड़ा बाद में आना, तो भगवान भी रुक जाएगा। ऐसे पुकारिए हर हर, और जरा आवाज निकालिए महादेव हर हर महादेव, पीछे लगा देव, देव मतलब घर में पोता पोती, देव गाड़ी, देव बंगला, देव हर हर महा, ऐसा शिव नाम। अच्छा दम के बोलना चाहिए, जब भी बोलो दम भाव भक्ति जी। Okay, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो जम के हर हर महादेव दोनों हाथ उठा के नहीं बोले उसे उठा लीजिए। जो महादेव नहीं बोले तो क्या काम का, उठाओ दोनों हाथ हर हर भगवान शिव कृपा।